हमारे गुरुजन सब मेरे समस्त स्टूडेंट, आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। आज 10 अक्टूबर 2023 अर्थात वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वास्तव में ये मानसिक स्थिति क्या होता है, मेंटल क्या होता है। आजकल ये देखा जाता है कि पूरी जिंदगी एक भागती दौड़ती जिंदगी बन गई है, किसी के पास कोई समय नहीं है, पुत्र के पास पिताजी के लिए समय नहीं है, पिताजी के पास भाई के लिए समय नहीं है, पूरी जिंदगी भाग दौड़ में गुजर रही है। तो विशेष रूप से आजकल के जो युवा वर्ग है, ये सब मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आजकल ये देखा जाता है कि बच्चे भी पढ़ते हैं और उसके पालक भी पढ़ते हैं। पालक चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े पदों पर जाए, वो भी अपना सपने देखते रहता है कि मैं अपने बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा या फिर आईएएस बनाऊंगा या फिर सीधी पीएससी में कोई भी बड़े अधिकारी बनाऊंगा। तो माता पिता का भी सपना होता है, पुत्र पुत्री का भी सपना होता है, लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि यदि बच्चे सफल नहीं होते हैं तो माता पिता मानसिक तनाव में आ जाते हैं, यदि पुत्र सफल नहीं होते हैं तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। वर्तमान समय में कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी की स्थिति में कोई भी बड़े एग्जाम दिलाते हैं तो उसमें कम तैयारी वाले बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर हमारे विद्यालय में साइंस के स्टूडेंट्स हैं वर्तमान में बायोलॉजी और गणित वाले, गणित वाले जो गणित लेते हैं सपना देखते हैं आईआईटी में जाने के लिए, उसके बाद एनआईटी में जाने के लिए, उसके बाद छोटे सपने नहीं देखते। जो बायो वाले होते हैं वो नीट क्रैक करने के सपना देखते हैं, एम्स में जाने के सपना देखते हैं, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज या राज्य के मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपना पढ़ाई लिखाई 10 घंटा 12 घंटा डेली के करते रहते हैं। कोई तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, 2 साल 3 साल ड्रॉप भी लगाते हैं, 15 घंटों 16 घंटे पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इस बीच खबर आता है मान लीजिए आपका चयन नहीं हो पाया। यदि चयन नहीं हो पाता है तो बच्चे फिर मानसिक तनाव में आ जाते हैं कि मैं 3 साल तक ड्रॉप लिया, मेरा 10 लाख 12 लाख चला गया, मेरे साथी लोग बीएससी कर लिए तो मेरा समय भी निकल गया, पैसा भी निकल गया, वो फिर मानसिक तनाव में आ जाते। अब लगातार तक मानसिक तनाव में रहने से भी वो डिप्रेशन में बदल जाते, पहले माइनर डिप्रेशन, उसके बाद मेजर डिप्रेशन, उसके बाद आगे चलकर डिस्ट्रिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, फोबिया हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, मतलब एक मानसिक रोग अपने मस्तिष्क में घर बना लेते हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रोग से घिर जाता है उसका कोई भी इलाज नहीं होता है, चिंता का कोई भी इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो हमको कहना चाहिए ऐसा शिक्षा लेना है, ऐसे खान पान लेना है ताकि हम अपनी जिंदगी में कभी भी मानसिक तनाव में न गुजरें। आप यहाँ 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तो 12वीं के बाद पढ़ाई तो समाप्त नहीं होगा, 12वीं बाद आप कॉलेज करेंगे, कोई बीएससी करेंगे, कोई एमएससी करेंगे, कोई प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाएंगे, तो वहां पर भी एक परीक्षा है। हर परीक्षा के पहले तनाव है, परीक्षा नहीं है तो भी जिंदगी में क्या है, तनाव है। तनाव का संबंध मानसिक स्थिति का संबंध पढ़ाई से ही नहीं है। गांव में जो व्यक्ति है देखते हैं कोई गरीब व्यक्ति है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मानसिक तनाव में है क्योंकि आय कम है और खर्चे ज्यादा है। बच्चे को कहाँ भेजना है, प्रोफेशनल कॉलेज में भेजना है, उनके लिए स्वास्थ्य का खर्चा, कपड़ा लत्ते का खर्चा, जूता मोजे का खर्चा, मतलब कमाई कम है और खर्चे क्या है, ज्यादा है। तो माता पिता भी किसमें गुजरते रहते हैं, मानसिक तनाव में गुजरते रहते हैं। आप लोग सुने होंगे बहुत लोग भारत के बहुत किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वो क्या मानसिक तनाव से गुजरते रहते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र में देखोगे एक विदर्भ नामक एक प्रदेश मतलब संभाग है, वहां के बहुत किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, वो खेती करने के लिए क्या लिए रहते हैं, लोन लिए रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए
खेती करने के लिए। उसके बाद बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो खेती का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो जिस बैंक से लोन लिए रहते हैं वो अगले दिन जैसे उनकी आने की समय पूरी होती है घर आ जाते हैं कि हम 5 लाख लोन लिए थे, आपका ब्याज सही 7 लाख हो रहे हैं। इसी प्रकार से कोई साहूकार से लिए रहते हैं, कोई सेठ से लिए रहते हैं, वो कहने से चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, वो आ जाते हैं। तो मतलब कर्जे में इतने डूब जाते हैं तो उनका मानसिक स्थिति इतना खराब हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेजर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग आगे चलकर डिप्रेशन मतलब पागल भी हो जाते हैं, ठीक है। और कई जगह मानसिक स्थिति इतना खराब हो जाता है कि ज्यादा लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो सुने ही होंगे पूरे भारत में आजकल बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है। लोगों के मन में यह होता है कि बिना कोचिंग का हम बड़े एग्जाम नहीं कर सकते, चाहे आपका यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे पीजीपीएससी की एग्जाम हो, चाहे जेई का हो या नीट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, सभी जगह क्या चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अब हर गरीब व्यक्ति, हर बच्चा कोचिंग जाकर कोचिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर खर्चे पहुंच रहा था, ठीक है। तो वहां जाते हैं इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहां चयन सिरो है। आप पुणे गए या फिर भिलाई गए या बिलासपुर गए या कोटा गए या फिर विशाखापट्टनम गए, चाहे दिल्ली गए, चाहे बेंगलोर गए, ये सब कहते हैं कि कोचिंग हम वाले शहर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए तो वहां पर आपका चयन सियोर है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप में पढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि आप में पढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप घर में ही बैठे बैठे ध्यान निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं। इस साल का यूपीएससी का जो सेकंड टॉपर है बिहार से है, जो सेकंड टॉपर है बिहार से है, उनके माता पिता ज्यादा अमीर नहीं है, गरीब ही है, वो ऑनलाइन पढ़ाई करके यूट्यूब से पढ़ाई करके यूपीएससी में सेकंड रैंक लाई है, बिहार की लड़की, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिल्ली जाने की जरूरी नहीं है, यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप घर भी पढ़कर चाहे चाहिए कोई बड़े एग्जाम जा कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पिछले साल के स्टूडेंट भी रहते हैं अनुज राठिया को, अनुज राठिया कोई अपने बेस में वो टॉपर स्टूडेंट नहीं थे, दसवीं में उसका रैंक देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो 7वें 8वें 9वें 10वें लोग के रैंक में होगा, ठीक है। उसके बाद वो जब 12वीं में थे तो उस साल को कोरोना था, तो कोरोना में रियल में एग्जाम नहीं हुआ था। उस साल जब अनुज राठिया 12वीं में थे तो घर में जा जाकर लोग लिखे थे, हम लोग प्रश्न पेपर दे दिए थे, उत्तर कॉपी कर दे दिए थे, घर में जाकर लिखे थे और उसके बाद पास हुए थे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा विषय को डिटेल नहीं पढ़ पाया कोरोना काल में, लेकिन वो 2 साल तक घर बैठकर तैयारी की है, एनसीईआरटी का बुक लिए थे, कोई कोचिंग नहीं लिया। और इस साल उसका रिजल्ट आया तो उसका एमबीबीएस में चयन हो गया है, फ्री सीट में रायगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करे। इससे पहले स्टूडेंट पारसमणी राठिया है, वो भी कोई बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे अपने बेस में, उनका 12वीं में 68% आया था सिटी बोर्ड। वो लगभग 3-4 साल तक क्या किए, तैयारी किए अब अंत में कहना चाहिए उनको भी रायगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, ठीक है। यदि पारसमणी राठिया कहने की 4 साल तक तैयारी किए, यदि उसके बीच उसका नहीं हो पाता तो उस बीच में कहना चाहिए अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि तनाव कब आता है, जब हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम अपना समय देते हैं, अपना पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है, हम उसमें धन भी खर्च कर लेते हैं और हमें रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है, तो वहीं से क्या शुरू हो जाती है, मानसिक तनाव शुरू हो जाती है। तो हमको कभी भी मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि आप चलो अच्छे से समय दिए, कोई बड़े एग्जाम की तैयारी किए, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हुए। तो हो सकता है आप गए थे जेई के लिए, ठीक है, आप जेई के लिए 1 साल अच्छे से तैयारी किए और आप फुल कॉन्फिडेंट थे कि मेरा होगा ही, लेकिन मान लो संयोग बस नहीं हो पाया। उसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में आईआईटीएस बनने या फिर एनआईटीएस संस्थान में पढ़ने के लिए आपके नहीं थे। हो सकता है उसके अपेक्षा आपको कहीं दूसरे जगह लिखा होगा, अच्छे कामों के लिए लिखा होगा। आप लोग सोचे होंगे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो एरोनॉटिक्स से भी इंजीनियरिंग किए हुए थे, वो छोटे से नौकरी के लिए इधर फॉर्म भरते थे उधर फॉर्म भरते थे, एक बार फॉर्म भरते भरते उत्तराखंड गया था, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से है, दक्षिण भारत से, वो उत्तराखंड एक नौकरी के खोजते खोजते गए थे, परीक्षा भी दिलाए और उसके बाद उत्तराखंड से आने के लिए उनके पास पैसा नहीं,
बार में जो भी कहने दिए कोई धार्मिक व्यक्ति थे, कोई महाराज थे, वो आए उनके पास और पूछे तो वो बहुत ही परेशान थे। वो वहां तक कि वो गंगा नदी में कूद कर उसको साइड लेने के लिए भी तैयार। तो अंत में उन्होंने पूछे जो भी आया उनसे कि मैं बहुत तैयारी करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं पर जवाब नहीं मिल रहा। वो कहते रहे उससे सक्सेस नहीं हुए रहते, क्योंकि भगवान ने उसको ज्ञान के लिए भेज रहे थे, कोई बड़े कार्य करने के लिए भेज रहे थे। तो हमको कभी भी मानसिक तनाव नहीं लेना, हमको कभी भी डिप्रेस में नहीं जाना, ठीक है। तो इसके लिए दो शब्द होते हैं, एक होता है सकारात्मक विचार और एक होते हैं नकारात्मक विचार। यदि आप किसी भी चीज को नकारात्मक लेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी चीज को जैसे आपका चयन भी नहीं हो उसको आप पॉजिटिव ही चीज हो सकता है, क्योंकि मेरा लाइफ ही नहीं है, मेरा दूसरे क्षेत्र का भी लाइफ, ठीक है। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है, आज हम लोग कहने के लिए वर्ल्ड बेटर हेल्थ डे मना रहे हैं, ठीक है जी।